जय हिंद। मैं आशीष रंजन, आप सभी का एक बार फिर से स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और अभी हम लोग बात करेंगे जो कट ऑफ को लेकर के ज़्यादा मतलब बाहर में चर्चा है, और भी कुछ बात करेंगे। बहुत सारे दोस्त मेरे मित्र बोल रहे थे एग्ज़ाम कैंसिल करवाने के लिए। एग्ज़ाम कैंसिल करवाना मेरे बस की बात नहीं है। जो कुछ भी करिएगा, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ही लोग करिएगा। चलिए तो बात करते हैं। देखिए, हम लोग मतलब हम पर्सनली बात कर रहे हैं, दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन देखें। देखिए, पहला शिफ्ट में मेरे हिसाब से जो 63 क्वेश्चन था उसमें, वो जनरली कॉमन था, जो सब लोग जानते हैं उसको अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है, उनको आप लगा सकते थे। और सेकंड शिफ्ट में 64 क्वेश्चन हमको ऐसा लगा जो मतलब हम जानते हैं तो बाकी लोग जानते ही होंगे लगभग, क्योंकि वो सेम सिलेबस का था जो जनरली सब लोग रेगुलर पढ़ते हैं उसके लिए। तो 63 क्वेश्चन पहले शिफ्ट में था और 64 क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट का, जो मेरे हिसाब से था, ठीक है। इसके अलावा मॉडरेट लेवल का भी बहुत सारा क्वेश्चन था, प्लस में आप तुक्का या फिर पकड़ कर लगा सकते हैं। नहीं होता है कि ऑप्शन पढ़ें तो उसमें पता चलता है कि हाँ ये नहीं ऑप्शन, ये मतलब ज़्यादा सूटेबल है। देखिए, पहला शिफ्ट की अगर बात करें तो 63 क्वेश्चन में से आप 5 क्वेश्चन भी गलत करते हैं मान के चलिए, तो 58 आपका सही जाएगा। 58 में तो कोई शक नहीं है। और सेकेंड शिफ्ट में अगर हम 5 माइनस करते हैं तो लगभग मान के चलिए 58-59 उसमें भी रहना है। हम यह मान के चलते हैं कि दोनों में 64-64 क्वेश्चन है, या फिर दोनों में 63-63 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस हिसाब से 58 क्वेश्चन तो आपका एकदम बिल्कुल है, जिसमें नो डाउट कि मतलब कहीं से गलत होने वाला है वो। अगर आप उसमें भी गलत कर रहे हैं तो फिर ये आपकी कमजोरी है, आप वहाँ से पिछड़ सकते हैं। अब बाकी जो 35-37 क्वेश्चन रह गया, उसमें अगर आप बढ़िया हैं, ऑन एवरेज हैं, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर, जो पीटी वगैरह या फिर और भी किसी चीज़ का पीटी या फिर मेंस निकाल रहे हैं, तो 35 क्वेश्चन आप मारिएगा, 35-40 क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से अगर पकड़ना है, क्योंकि बहुत सारा ऑप्शन उसमें से मतलब धराता भी है कि हाँ लगता है कि ये ऑप्शन होगा, तो उस हिसाब से अगर मान के चले तो कम से कम आपका 12-15 प्रश्न सही होने वाला है, ठीक है। उस 35-40 क्वेश्चन जो भी 37-38 क्वेश्चन बच रहा है, उसमें से 12-15 क्वेश्चन आराम से सही होगा। अगर हम 12 क्वेश्चन भी लेके चलते हैं तो 58 और 12 कितना हो जाता है, 70। 58-52 कितना हो जाता है, 70, जो कि एकदम मतलब एक क्या बोला जाए उसको, मतलब एवरेज जो हर बार रिजल्ट देते होंगे या फिर उसके कगार पे होंगे, या फिर नए लड़के भी बहुत सारे कुछ होंगे, 70। बाकी 30 आपका जाएगा तो बचेगा कितना, 67। तो 67 इसलिए बनाया गया है 67, क्योंकि 67 कट ऑफ हम लोगों के लिए मतलब लगा कि हाँ इतना लड़कों से हो सकता है, मतलब जो एवरेज या एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है उनके। बाकी कुछ लड़के और भी हैं जो 70-75 प्लस किए हों, लेकिन उसमें बहुत सारे कम ही लड़के मिलेगा। मान लीजिए 500, 1000, 2000, 4-5 हज़ार ऐसे लड़के होंगे जो 70 या उससे ज़्यादा 2-4 हज़ार होंगे, या फिर 68 से ज़्यादा करने वाले 3-4 हज़ार ऐसा लड़का होगा जो उससे ज़्यादा किया होगा। तो 67 हम लोग के हिसाब से बहुत बेस्ट है एकदम, मतलब यहाँ पर भारी संख्या में लड़का लोग भी शामिल है, 66 से लेकर 70 तक जो भीड़ है यहीं पे है। तो इस हिसाब से हम लोग जो कट ऑफ दिए हैं 67 का, वो लगभग सही है। अब उसी में एक क्वेश्चन नीचे या फिर एक क्वेश्चन ऊपर हो सकता है। अगर आपका इतना है तो बिल्कुल आप तैयारी करिए, अगर आप नहीं भरोसा है तो आप एक बार फिर से पेपर देख लीजिएगा कि हाँ भाई जो कॉमन क्वेश्चन है, जो हर बार मतलब जिसको हम लोग रेगुलर सिलेबस में पढ़ते हैं, वो कितना क्वेश्चन है, बस उसी को देखना है, इसके अलावा किसी को नहीं। उसके बाद भी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है कि एकदम आराम से पकड़ाएगा, हम तो एवरेज मान के चल रहे हैं। इसीलिए 67 या 66 या 68 इतना तो आप आराम से जान के चलिए कि इतना आपका आएगा। बाकी 64-65 OBC और EWS के लिए बताया गया है 3-4 क्वेश्चन कम रहेंगे, या फिर 3 क्वेश्चन भी कम रहेंगे। लड़कियों के लिए है कि लड़की भी मतलब धीरे धीरे बहुत अच्छा कर रही है, 3 साल पहले का वो एग्ज़ाम था जिसका कट ऑफ था, जो पिछली बार वो भी लगभग 1000 से ज़्यादा सीट था, तब जाके 49 पे रुका था। तो यह मान के चलिए कि 3 साल बीता है,
रेगुलर वाला वो लोग लड़की भी सब लोग मारी ही होगी जो रेगुलर में होगी। अगर 10 भी गलती मान के चलते हैं 63-54 में, तो 54 तो आराम से आएगा, बाकी तुक्का 4-5 को लगा ही देगी। तो इस हिसाब से आपका 60 तक पहुंच जाती है, 61 तक पहुंच जाती है, तो माइनस 3-4 होगा, तो 57 58 59 ये तीन वो एकदम बिल्कुल है जनरल लड़की के लिए। बाकी उस हिसाब से जो कटअप बनाया हुआ है बिल्कुल बेस्ट है, उतना पे आराम से होगा। ठीक है, अब इस पे आपको कुछ राय विचार करना होगा, देना होगा, तो आप बिल्कुल दें। ठीक है, हम कमेंट देखेंगे।